हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे इंडक्टिव रेनबो कलर कप। एक में मग है जबकि एक में कप है जिसमें कि हैंडल लगा हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स सी क्या क्या इसके बेनिफिट है या स्पेसिफिकेशन है। इसमें आपको दो बैटरी एट बॉटम लगानी होती है और आप जो है इसका लिड जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं और उसको जो है फिर बैटरी डालने का बंद कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो ये रेनबो की तरह जलने लगेगा और जैसे ही पानी आप निकालेंगे ये बंद हो जाएगा। तो हम जो है इन दोनों की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं ये दोनों कप कैसे हैं। तो ये तो हमारा कप हो गया और ये जो है हमारा मग हो गया। तो दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी सेम है, बस डिज़ाइन और वाटर कैपेसिटी का अंतर है। और अब जो है हम आपको इसमें पानी डालकर दिखाते हैं। तो ये हमारे कप जो है तैयार है टेस्टिंग के लिए, तो देखते हैं कौन सा बढ़िया है। एक हमने ऑनलाइन ख़रीदा है जबकि एक जो है हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो ऑनलाइन वाला तो हमें काफ़ी महंगा पड़ा है जबकि लोकल मार्केट वाला जो है हमें काफ़ी प्राइस में सस्ता पड़ा है। जस्ट आपने इसमें पानी डालना है और देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये इसका रिएक्शन है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं तो ये, तो दोनों का अगर हम देखेंगे लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बट प्राइस में जो है काफ़ी अंतर है। ये हमें लोकल मार्केट में 120 रुपए का पड़ा है जबकि ये जो है हमें 250 के आसपास पड़ गया। तो अगर आपको ये लोकल मार्केट में मिल जाए तो ये बेटर रहता है। आप इस प्रोडक्ट को हमारे दिए लिंक से अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कि ये पानी निकालने पर इसका क्या होता है। तो अपने आप ही इसकी जो है ये कलर वाली लाइट जो है बंद हो जाती है और वी होप ये प्रोडक्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। जो है इसको बर्थडे पार्टी में या किटी पार्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।